हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी प्रोडक्ट डिसीजंस कंप्लीट हो चुका था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्राइसिंग डिसीजंस की, कि प्राइसिंग का डिसीजंस कैसे होता है, क्या उसके फैक्टर है, वो सारे चीजें आज हम कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा कॉमर्स वाला भैया का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे ये सारा पीडीएफ मैं आपको डाल दे रहा हूँ जो भी क्लासेस हो रही है उसका। ठीक है, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हो उसकी तैयारी यहाँ आपके साथ बनी रहे, है ना। चलिए जी, चलते हैं क्लास में। आइए, होती क्या है, है ना। अगर हम प्राइसिंग की बात करें हैं, तो प्राइसिंग क्या, मैन्युफैक्चरर के द्वारा कोई अगर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और उस प्रोडक्ट के बिहाफ में रिसीव किया हुआ पैसा नहीं है ना, प्राइसिंग तो उसी को बोलेंगे ना। कि प्राइस हम क्या, किसको बोलेंगे प्राइस, मैन्युफैक्चरर। मान लो ये मान लो कि रिमोट बनाया, इस रिमोट के बिहाफ में उस सर को वो क्या किया, प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट के बिहाफ में उसको पैसा मिला, वही तो है ना। लेकिन डिसीजन की अगर बात करें तो, प्राइसिंग डिसीजन की अगर बात करें तो, प्राइसिंग डिसीजन कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक मैन्युफैक्चरर प्राइस को डिसाइड कैसे करता है कि हमें इस प्रोडक्ट का प्राइस रखना कितना है। बात खत्म। हाँ जी सर, तो इस प्राइसिंग डिसीजन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारा रीजन होता है। क्या फैक्टर हो सकता है, जैसे अब मान लेते हैं हम कोई प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं जो गाँव के लिए है ना, जो गांव के लिए मतलब जो गांव के लोगों के लिए की प्रेफरेंस ज्यादा है, तो वहां क्या अगर हम बहुत ज्यादा उस प्रोडक्ट का प्राइस रखेंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा, नहीं बिकेगा। उसी तरीके से कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हाई क्लास लोगों के लिए हैं और उसके प्राइस हम कम रख देंगे तो वो नहीं बिकेगा। क्यों, क्योंकि उनकी क्लास अलग है। वो अगर कम प्राइस देखेंगे बोलेंगे नहीं ये तो सस्ता प्रोडक्ट है, नहीं लेंगे इसको हम। तो उस हिसाब से हमें प्राइसिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, यानी कि मार्केटिंग मिक्स के अनुसार, और भी बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसकी हम चर्चा आगे क्लास में करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और ज्यादा लेट ना करते हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्राइसिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय अ मार्केट सेट्स अ प्राइस एट विच इट विल सेल इट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड मे बी द पार्ट ऑफ बिजनेस मार्केटिंग प्लान। तो बोल रहा है प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहां बिग बिजनेस सेट करता है प्राइस को कि वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को कितने में सेल करेगा, और वो भी किसका पार्ट हो सकता है, मार्केटिंग प्लान का पार्ट हो सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। कह रहा है इन सेटिंग प्राइसेस द बिजनेस विल कंसीडर द प्राइस एट विच इट कुड एक्वायर द गुड्स। तो बोल रहा है प्राइस को सेट करने के लिए बिजनेस क्या कंसीडर करेगा जी, विचार करेगा कि वो गुड को अक्वायर कैसे करेगा, है ना। देखो तो किस प्राइस पर कर रहा है, द बिजनेस विल कंसीडर द प्राइस विच इट वुड अक्वायर द गुड्स एंड दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कि बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, मार्केट प्लेस कहाँ है, है ना। ये बात तो सही है कि भाई आप सोचो जहां से आपका प्रोडक्ट बन रहा है वहां से जितनी दूरी पे आपका प्रोडक्ट बनेगा कॉस्ट उतनी बढ़ेगी, है ना, ट्रेवलिंग कॉस्ट। ठीक है, या फिर इसको लॉजिस्टिक बोल सकते हैं जी सर। कह रहा है उसके बाद है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन देखने का मतलब है कि आप अब जैसे तो सपोज करो मैगी 12 रुपए की आती है, अब उस मैगी का कॉम्पिटिटर मान लो पतंजलि ने स्टार्ट किया और उस मैगी का कॉस्ट 20 रुपया रख दिया, सेम चीज सेम क्वालिटी सेम सब कुछ, क्या बिकेगा, नहीं बिकेगा। हाँ 12 की जगह 14 रखता 13 रखता तो बिक सकता था, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी को सुपीरियर बना के बेच सकता है या मार्केटिंग करके बेच सकता है। लेकिन अगर 20 रख दे तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो ये कॉम्पिटिटर का भी ध्यान हमको रखना पड़ता है प्राइसिंग डिसीजन में। फिर मार्केट कंडीशन क्या है, ब्रांड कैसा है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैसा है, इसकी बात हमें करनी है। अब कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दो एकदम वाहियात लगे खाने में और आप उसको बेचना चाहो महंगे में, बिकेगा नहीं बिकेगा सर। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही आगे भी हम पढ़ेंगे। कह रहा प्राइसिंग इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड इज वन ऑफ द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। बिल्कुल बात सही है। प्राइसिंग क्या है, फंडामेंटल फाइनेंशियल मॉडल है ना, फाइनेंशियल मॉडल जहां से पैसे आते हैं भाई साहब। ठीक है, उसका मार्केटिंग मिक्स का एक पी है, और ठीक है द अदर 3 एस्पेक्ट्स बीइंग प्रोडक्ट प्रमोशन एंड प्राइस, और तीसरा 3 जो और है वो क्या है, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट प्लेस और प्रमोशन, ये 3 चीजें हैं। एक क्या है, एक प्राइसिंग है। कह रहा है प्राइसिंग इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू अ प्रोड्यूसर विल गेट इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये देख लीजिए, बिल्कुल सही बात बोला कि प्राइसिंग क्या है, एक मेथड है
जो निर्धारित करता है कि एक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर बोल लीजिए उसको क्या मिलेगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सर्विस और गुड्स वो दे रहा है उसके बिहाफ में उसको रिसीव में क्या मिलेगा। कह रहा है सिंपली प्राइसिंग मेथड इज यूज्ड टू सेट द प्राइस ऑफ प्रोड्यूसर ऑफरिंग्स रिलेवेंट टू बोथ द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर। तो प्राइसिंग मेथड क्यों यूज किया जाता है, ताकि प्रोड्यूसर्स की ऑफरिंग को है ना वो एक्सेप्ट किया जाए दोनों के लिए, प्रोड्यूसर के लिए और कस्टमर के लिए, मतलब दोनों का बेनिफिट हो। अदरवाइज क्या होगा कि दिक्कतें यहाँ जाएंगी। अगर मान लो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उसे प्रॉफिट ना हो तो वो क्यों कस्टमर को बेचेगा, है ना भाई। जी बिल्कुल। तो कह रहा है सेटिंग द राइट प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग। बिल्कुल सही बात है कि एक सही प्राइस का निर्धारण करना मार्केटिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। वो कौन सी मार्केटिंग, इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए। इट इज द ओनली पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स दैट जनरेट्स रेवेन्यू, प्रोडक्ट प्रमोशन एंड प्लेस आर ऑल अबाउट मार्केटिंग कॉस्ट। तो बोल रहा है एक यही पार्ट है मार्केटिंग मिक्स का जिससे पैसा जनरेट आता है, रेवेन्यू आता है टोटल, है ना। बाकी तो उसके कॉस्ट है, प्रमोशन प्लेस एंड प्रोडक्ट, ये तीनों क्या है इसके मार्केटिंग कॉस्ट है। प्राइस इज ऑल्सो द मार्केटिंग वेरिएबल दैट कैन बी चेंज मोस्ट क्विकली परहैप्स इन रिस्पॉन्स टू ए कॉम्पिटिटर प्राइस चेंज। हाँ बोल रहा प्राइस ही एक ऐसा चीज है जो कॉम्पिटिटर के प्राइस के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर एक फॉर एग्जांपल मान लो कोको कोला का जो वो बॉटल आता था ना, या पेप्सी का बॉटल, वो जो पहले 10 में आता था या 12 में, ठीक है, उसको वो 10-12 में भी बिका है एक टाइम में, पता है ना, छोटा वाला। तो वो क्या था, मान लो कि 22-12 में कोई बॉटल बिक रहा है और किसी ने 10 रुपया कर दिया, तो भाई साहब आपको भी 10 करना पड़ना पड़ेगा, वरना आपके जो कंज्यूमर है वो सारे के सारे शिफ्ट कहाँ हो जाएंगे, किसी और प्रोडक्ट में चले जाएंगे जो उसके कॉम्पिटिटर का है ना। तो इसीलिए ये भी इम्पैक्ट रहता है कि कोई भी कॉम्पिटिटर का प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो आपको भी करना पड़ सकता है। अब देखिए फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, ये बात समझना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्राइसिंग के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। अब प्राइसिंग का डिसीजन अफेक्ट करना मतलब प्राइसिंग के निर्धारण में वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं, द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हेड्स, दो हेड में बांटा गया है। एक को इंटरनल फैक्टर्स बोलेंगे और एक को एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलेंगे। क्या होता है, देखिए इंटरनल फैक्टर्स कहने का मतलब है वो सारे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से प्राइसिंग का डिसीजन चेंज होता है, और एक्सटर्नल फैक्टर कहने का मतलब है वो सारे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चेंज होने की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन के प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। बात समझ में आई, जी आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इंटरनल फैक्टर्स। चलिए इसको पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ कि क्या क्या कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये देखिएगा इसको समझिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजंस जो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल फैक्टर की अगर बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट इसीलिए इंटरनल फैक्टर है क्योंकि यही प्राइसिंग का डिसीजन लेते हैं। अब हम तो ले नहीं सकते, जो मैनेजमेंट होगा वही लेगा, वर्कर्स तो ले नहीं सकते, नहीं कौन ले सकता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, अब एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स कहने का मतलब कि अदर चीजें, प्राइस को छोड़कर प्लेस प्रमोशन प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि प्राइसिंग कैसी होगी। क्यों, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होगा अच्छी क्वालिटी का तो प्राइस हमको ज्यादा रखना पड़ेगा, पर प्रोडक्ट अगर थोड़ा सस्ता होगा तो आपको प्रोडक्ट का प्राइस कम रखना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर आप चलें प्लेस पर, तो प्लेस मतलब कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस जहां से प्रोडक्ट आपका बन रहा है और कहाँ कहाँ आपका मैं जाता है प्रोडक्ट, तो वो सारा चीज देखना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा दूर जाता है तो प्राइसिंग ज्यादा होगी, और प्रोडक्ट कम दूरी पर है, कम दूरी पर आपका बिकता है, जैसे सब्जी वब्जी ला के बेचते हो तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम पड़ेगा। फिर उसी तरीके से प्रमोशन की बात करें, अगर आप बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेल्स प्रमोशन में खर्चा कर रहे हैं, तो प्राइसिंग ज्यादा रखनी पड़ेगी थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो एक्सपेंस आएगा कहाँ से। और अगर आप कम कर रहे हैं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है, तो फिर आपको प्राइसिंग कम में चल जाएगा। तो ये इम्पैक्ट है। उसी तरीके से डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, कॉस्ट डिसाइड करता है, आपकी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है कि आपका ऑब्जेक्टिव जितना अच्छा होगा प्राइसिंग उतनी अच्छी होगी। जैसे बहुत सारे लोगों का पर्पस होता है ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ प्रॉफिट कमाना, बहुत सारे लोग का होता नहीं, प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देखना है और हमको सोशल बेनिफिट्स के लिए भी काम करना है। जैसे मैं अगर मैं चाहूँ तो अपना, वैसे ऐप तो आएगा ही, लेकिन अपना ऐप डेवलप करके जिस तरह से लोग 12,000-15,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस, मेरा एक सोशल कॉज है, मेरा एक अपना रिविजन है, मेरा अपना एक ऑब्जेक्टिव है, जिस वजह से मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, है ना।
और ये क्या बोलते हैं प्राइसिंग के लिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि भाई मेरा प्राइस एकदम नहीं है। कह रहा स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हाँ इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी और डिक्लाइन ये होता है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका प्राइसिंग फ्लक्चुएट करेगा, जब इंट्रोडक्शन स्टेज होगा प्राइसिंग ज्यादा रहेगा, जब मैच्योरिटी आ जाएगी प्राइसिंग एकदम कम हो जाएगा, और ग्रोथ में थोड़ा कम रहेगा प्राइसिंग, है ना, और मैच्योरिटी में तो भाई साहब खत्म हो जाता है कहानी। उसी तरह से प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी है, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बहुत अच्छी है तो प्राइसिंग ज्यादा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बहुत खराब है या फिर नॉर्मल है तो प्राइसिंग उसी हिसाब से करना पड़ेगा। फिर आज ये ब्रांड का इमेज, अगर आपके ब्रांड का इमेज बहुत अच्छा है तो आप प्राइस ज्यादा रखोगे तो वो हाईएस्ट कस्टमर आ जाएगा, लेकिन आपका ब्रांड का इमेज नहीं है अभी तो आपको हो सकता है बहुत थोड़ा कम प्राइसिंग रखना पड़ जाए। कैटेगरी ऑफ द क्लास और प्रोडक्ट की किस कैटेगरी में आता है, लेवल ऑफ मतलब कैटेगरी क्या है, बच्चा बड़ा बूढ़ा किस हिसाब से है वो देखना पड़ेगा, और मार्केट शेयर के हिसाब से भी आप अपना एंटर। तो ये क्या थे, ये इंटरनल फैक्टर है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजें हैं ना वो आपको डिपेंड करता है कि आपका ये कैसा रहेगा। उसी तरह से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, अब देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी डिमांड हमेशा रहती है, जैसे iPhone 14 Pro, है ना, आ जाता है मार्केट में और बस खत्म। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका डिमांड बहुत कम होता है, तो जिसकी डिमांड ज्यादा रहती है ना सर, यहाँ पे अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, इकोनॉमिक्स वाला मत ले जाना, जिससे जिसका प्राइस ज्यादा उसका डिमांड कम, यहाँ डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस भी ज्यादा होगा क्योंकि अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट नहीं है, इसलिए डिमांड वहां वाला लेके मत जाना। तो डिमांड जिसकी यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की ज्यादा है तो ये भी रह सकता है। कॉम्पिटिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको कंपटीशन के हिसाब से प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा, कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि जिस जिस चीज का प्राइस, जो नॉर्मल बेसिक चीज का बता रहा हूँ, कोक और पेप्सी का ही ले लीजिए, कि कोक अगर किसी का 10 रुपया तो आपको 10 के 11 रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं 15 कर सकते आप, नहीं चलेगा मार्केट में, है ना। तो वो सारा चीज, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि आप जहां से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, जहां से अदर इनपुट्स ले रहे हो, वहां का प्राइसिंग क्या है। अगर आप वहां के प्राइसिंग में चूक जाते हो, मान लो रॉ मटेरियल ही महंगा खरीदोगे तो प्राइसिंग तो आपका महंगा पड़ ही जाएगा, लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल को सही जगह से सही प्राइस पे खरीदोगे तो आपकी प्राइसिंग, जो आप प्राइस डिसाइड करोगे वो कम होगा, और फिर उस हिसाब से प्राइसिंग आपकी अच्छी होगी। फिर बायर्स के बिहेवियर को भी नोटिस करना पड़ेगा कि बायर कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट के बिहाफ में उसका सही है, तो आप प्राइसिंग उस हिसाब से कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन, ये भी देखना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट का रूल्स क्या है, उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, कितना तक हम प्राइसिंग लगा सकते हैं, कितना तक नहीं लगा सकते हैं। फिर इथिकल कंसिडरेशन ऑफ ए कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ ये भी बात है, इथिक्स पे का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अब लूट लें हम, है ना, या फिर सोशल बेनिफिट्स के लिए कुछ काम है तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। सीजनल इफेक्ट, ये भी ध्यान देना होगा, आप जैसे गर्मी में छाता बढ़ जाएगा, टी शर्ट का रेट बढ़ जाता है, ठीक है, उसी तरह से ठंडा में कंबल, आपकी रजाई, है ना, आपका स्वेटर, आपका जैकेट प्राइस बढ़ जाता है, तो ये भी देखना पड़ेगा, एंड इकोनॉमी की कंडीशंस के हिसाब से भी आपको काम करना पड़ेगा। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं और ये इंटरनल फैक्टर है। आइए एक एक करके इसके चर्चा फटाफट थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं। क्या टॉकिंग अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स मीन्स द फैक्टर दैट वर्क फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये बात तो मैंने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले फैक्टर्स हैं इंटरनल में, उस फैक्टर को हम क्या इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं। द फैक्टर्स आर, पहला है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर क्या कह रहा है, देखिएगा, कहता है टू मैनेजमेंट लेवल डिसाइड द प्राइसिंग पॉलिसी, वन इज द प्राइस रेंज एंड द सेकंड इज द पॉलिसीज आर डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स व्हाइल डिस्टिंक्ट प्राइस इज फिक्स्ड बाय द लोअर लेवल ऑफ स्टाफ। तो ये देखिए, दो दो मैनेजमेंट लेवल डिसाइड करते हैं प्राइसिंग को, एक वन इज द प्राइसिंग रेंज, प्राइस रेंज और पॉलिसी जो डिसाइड करती है वो टॉप लेवल करता है, और दूसरा डिस्टिंक्ट प्राइस जो है वो लोअर लेवल का स्टाफ करता है, ठीक है जी। अब आ जाइए मार्केटिंग मिक्स में। मार्केटिंग मिक्स में प्राइस को छोड़कर प्लेस प्रमोशन एंड क्या प्लेस प्रमोशन एंड प्रोडक्ट, तो ये तीन चीजें जो है वो डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट कैसा, अगर अच्छा तो प्राइस ज्यादा, कम तो प्राइस कम, है ना। उसी तरह से प्रमोशन, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो प्राइसिंग ज्यादा, कम खर्चा कर रहे हैं तो कम, है ना। और उसी तरह से प्लेस, जितनी दूरी डिस्टेंस से जितना लॉजिस्टिक उतना ज्यादा आपका कॉस्ट और उतना ज्यादा प्राइसिंग रखना पड़ेगा। तो ये कह रहा है फॉर इंप्लीमेंटिंग अ प्राइस द मार्केटिंग मिक्स नीड्स टू बी साइंड विदाउट मैचिंग अ मार्केटिंग मिक्स कंज्यूमर विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू दी प्राइस पे, बोल रहा है बिना मार्केटिंग मिक्स को मैच किए हुए कंज्यूमर कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा प्राइस पे। द मार्केटिंग मिक्स शुड बी डिसाइसिव फॉर द प्राइस रेंज फिक्स्ड
मीनिंग ऑफ द मार्केटिंग मीन्स नीड्स टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये बात बहुत जरूरी है कि आप सारे ये मार्केटिंग मिक्स को देखते हुए एक स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड करें प्रोडक्ट का, तभी आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। फिर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये बहुत 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 जरूरी है, हालांकि बहुत कम हो पाता है लेकिन ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट को आप डिफरेंशिएट कर दिए ना तो तुरंत आपकी प्राइसिंग अच्छी हो जाएगी, मतलब आप कितना भी प्राइस दोगे तो वो लोग खरीदेंगे और प्रोडक्ट अच्छा रहा तो। कह रहा है इन टूडेज मार्केट इट इज अनकॉमन टू फाइंड अ यूनिक प्रोडक्ट, हेंस द डिफरेंशिएशन लाइज इन नेचर फीचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये बात मोटा आज के मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना, उसके नेचर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना बड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको करना ही पड़ेगा तभी आपके ये चीज आपकी प्राइसिंग इसी पे इफेक्ट करेगी। कह रहा था एडेड फीचर्स लाइक क्वांटिटी साइज कलर पैकेजिंग एंड इट्स यूटिलिटी ऑल दिस फैक्टर्स फोर्स द कस्टमर टू पे मोर प्राइस रिगार्डिंग अदर प्रोडक्ट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपका क्वालिटी अच्छा हो तो ज्यादा पे करते हैं, साइज ज्यादा हो तो ज्यादा पे करते हैं, कलर पैकेजिंग ये सारी चीजें अगर ज्यादा हो ज्यादा अच्छा हो तो लोग ज्यादा भी पे करने को तैयार हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि दूसरों का प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट कैसे अलग है, बाकी आप समझदार हैं। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे डिसाइड करना है, कॉस्ट के हिसाब से आपको बनाना है कि मान लो टोटल कॉस्ट इतना लग गया आपको बेचना है, भाई कुछ प्रॉफिट ऐड करके बेचोगे ना, ऐसे तो नहीं बेच दोगे। तो वो कॉस्ट अगर कम पड़ा, कॉस्ट अगर प्रोडक्ट कम में बन गया तो आप प्रोडक्ट को कम में बेच सकते हो, और अगर अगर कॉस्ट ज्यादा पड़ गया तो प्रोडक्ट को ज्यादा में बेचना पड़ेगा। कह रहा है कॉस्ट एंड प्राइस आर क्लोजली रिलेटेड विद द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट द फर्म डिसाइड इट्स प्राइस। बिल्कुल सही बात है कि कॉस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। द फर्म मेक श्योर दैट द प्राइस डज नॉट बिलो द कॉस्ट लीज दे विल रन ऑन द लॉसेस। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम प्राइस कभी भी कॉस्ट से कम रख देंगे तो क्या होगा, तो सर हमारा लॉस होने लगेगा और वो तो कोई नहीं चाहता है। सर कह रहा है कॉस्ट ऑफ द प्राइस इंक्लूड्स इनपुट कॉस्ट दैट अ कंपनी स्पेंड ऑन रॉ मटेरियल वेजेस फॉर लेबर्स एडवर्टीजमेंट कॉस्ट प्रमोशन कॉस्ट एंड सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज। तो ये सारे जो अभी मैंने बताया स्पेंड, ये जो सारा खर्चा है इसको हम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं और इसके बाद प्रॉफिट ऐड करके तब हम प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। आइए अब चलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, क्या होता है। कह रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फर्म। बिल्कुल नहीं, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके जो ये फर्म के कंट्रोल में होते ही नहीं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते हैं। कह रहा है दीज फैक्टर्स अफेक्ट द होल इंडस्ट्री ग्रुप यूनिफॉर्मिटी येट अ कंपनी ट्राइज टू एस्टिमेट एनी अपकमिंग प्रॉब्लम्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो मेक्स अप अ बैकअप प्लान इन एडवांस, दिस इज डन बाय फोरकास्टिंग मार्केट ट्रेंड। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे इफेक्ट पड़ जाते हैं मार्केट में जो एक्सटर्नली होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं होता, इसीलिए और पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग आपके मार्केट ट्रेंड को देखकर ये पता कर लगा लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आने वाले है और उसके हिसाब से उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला है फैक्टर्स आर डिमांड, तो ये बात ध्यान में रखना है, डिमांड ज्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी तो प्राइस भी अच्छा मिलेगा, और डिमांड कम और प्रोडक्ट की क्वालिटी कम तो फिर आपको ये भी कम ही मिलेगा। कह रहा है द मार्केट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट हैज एन इंपैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, मार्केट का डिमांड एक प्रोडक्ट के प्राइस पे इंपैक्ट डाल सकता है। इफ द डिमांड इज इनइलास्टिक देन द हायर प्राइस कैन बी फिक्स्ड। बोल रहा है अगर इन डिमांड इनइलास्टिक होगा तो प्राइस ज्यादा हो सकता है। इफ द डिमांड इज हाईली इलास्टिक देन द लेस प्राइस इज टू बी फिक्स्ड, और अगर हाईली इलास्टिक हुआ लचीला मतलब इधर उधर होता रहा तो आपको लेस प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। कह रहा है व्हेन द डिमांड ऑफ द गुड्स इज मोर एंड सप्लाई ऑफ द गुड इज कॉन्स्टेंट द प्राइस ऑफ द गुड्स कैन बी इंक्रीज, इफ द डिमांड फॉर द गुड्स डिक्रीजेज द प्राइस ऑफ गुड्स शुड बी डिक्रीज टू सर्वाइव द मार्केट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सप्लाई आपका कंटिन्यूसली चल रहा है, आपका अच्छा चल रहा है, तो प्राइस आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लोग डिमांड करते जाएंगे तो आप प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, तो प्रोडक्ट डिमांड होगा। लेकिन जैसे ही आपकी सप्लाई कम हुई, डिमांड कम हुआ तो आपको प्राइस भी घटाना पड़ेगा ताकि आप मार्केट में सर्वाइव कर सकें। बात समझ में आई? जी सर। अब चलिए कंपटीशन की बात करते हैं। कह रहा है द प्राइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी कॉम्पिटिटिव विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि प्राइस भी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए बिना क्वालिटी को घटाए हुए। ऐसा नहीं कि क्वालिटी कम कर दिए प्राइस कम कर दिए, तब तो फिर आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। आपका प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का हो और तब प्राइस कम हो तो प्रोडक्ट जम जाएगा।
कह रहा है व्हाइल इन अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट द प्राइसेस आर फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्राइस क्या होता है, फिक्स्ड होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपटीशन। वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो वहां जहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं सेम वाले। कह रहा दस द मैन्युफैक्चरर ट्राई टू एस्टिमेट द प्राइस ऑफ हिज कॉम्पिटेटर। तो और इस बेसिस पर जैसे साबुन बहुत सारे हैं, सब साबुन का अपना अपना दिखता है कि नहीं, नूडल्स बहुत सारे हैं सब अपना दिखता है कि नहीं, मार्केटिंग में चेक करेगा कि ये वाला प्रोडक्ट का प्राइस कितना, मार्केट पतंजलि का कितना, इसका कितना है ना, फिर आपका मैगी का कितना, फिर किसी और प्रोडक्ट है तो उसका कितना, वो चेक करेगा और उस बेसिस पर प्राइस सेट करता है कौन, मैन्युफैक्चरर। इसलिए कॉम्पिटेटर का प्राइस देखना बहुत जरूरी है। कह रहा व्हेन द प्राइस ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स इज हाई द कस्टमर विल बाय मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप जो बेच रहे हो उसका सप्लीमेंट्री का प्रोडक्ट अगर का प्राइस ज्यादा होगा ना और क्वालिटी सेम होगी तो आपका प्रोडक्ट बिकना फिर चालू हो जाएगा। सपोज हम क्या बना रहे हैं, हम मान लो जूस बना रहे हैं और कोई भी जो जूस है मार्केट में अवेलेबल है उसका प्राइस 60 रुपए और हम सेम क्वालिटी का जूस प्योर जूस 50 रुपए में बेच रहे हैं, क्यों नहीं लेगा जी कस्टमर, आराम से लेगा, हंस के लेगा, नहीं वो चीज है। कह रहा है सप्लाई, अब सप्लाई देखिए, कह रहा है द सप्लाई कंडीशन द इजली अवेलेबल ऑप्शन ऑफ द रॉ मटेरियल आर अवेलेबल देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी मॉडरेट वंस द रॉ मटेरियल सप्लाई प्राइस हाइटेंस एंड प्राइस ऑल्सो राइज। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है कि रॉ मटेरियल आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका रॉ मटेरियल अगर आपको इजिली मिल रहा है तो आप प्रोडक्ट प्राइस मॉडरेट रखेंगे, लेकिन अगर आपको रॉ मटेरियल ही मिलना बंद हो जाए तो प्राइस स्लैक से बढ़ जाएगा। कह रहा है इन द पीरियड ऑफ रिसेशन प्राइस इज लोअर्ड सो दैट इजी परचेज इज गारंटीड व्हाइल बूम पीरियड्स प्राइस शूट अप हायर नाउ दे कैन अर्न प्रॉफिट। तो रिसेशन के पीरियड में प्राइस आपका कम रहेगा और जैसे ही आप बूम पीरियड पे आते हैं आपका प्राइस हाई हो जाएगा ताकि प्रॉफिट आप अर्न कर सकें। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से आप प्राइसिंग डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हो। बात समझ में आ गई जी सर। अब चलिए स्टेप्स इन सेटिंग द प्राइस। अब कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप प्राइसिंग को सेट करते हैं, आइए इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटिंग द प्राइस ऑब्जेक्टिव। प्राइस के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि क्यों हमको प्राइस इतना रखना है, ठीक है। उसके बाद डिमांड डिटरमाइन करेंगे, निर्धारण करेंगे कि डिमांड कितना है प्रोडक्ट का, फिर कॉस्ट उस हिसाब से देखेंगे कि मेरा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना पड़ रहा है, और फिर एनालाइज करेंगे कॉम्पिटिटर की प्राइस को कि भाई मेरा हिसाब से या फिर कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है जो मेरा सेम प्रोडक्ट जैसा है वो कितना पे में बेच रहा है, और फिर करेंगे सेलेक्ट करेंगे प्राइसिंग के मेथड कि कौन सा मेथड हम लगाएं, किस मेथड के थ्रू हम बेचें, और सेलेक्ट करेंगे फाइनल प्राइस। ये था, आइए एक एक करके हम थोड़ी डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। कह रहा व्हेन यू लुक इट फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अगर आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखें द मार्केटिंग मिक्स फॉर एनी कंपनी इज बेसिकली द सेम। बिल्कुल सही है, हर कंपनी के लिए मार्केटिंग मिक्स अलग थोड़ी होगा, प्राइस ये प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस ये सारी चीजें होगी, ठीक है। कह रहा है इट ऑलवेज कंसिस्ट 4P द प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। The price is the most relevant P in this case and as it directly affects the company bottom line. ये बिल्कुल बहुत सही बात है कि जो तीन और P है ना price को छोड़कर वो उसके cost में आ जाते हैं, लेकिन pricing ऐसा है जो directly affect कर सकता है company की bottom line को। कह रहा है if the company wants to survive its product have to be profitable. बिल्कुल सही बात है, अगर company को चलना है जिंदा रहना है तो भाई प्रॉफिटेबल तो होना पड़ेगा। कह रहा हाउएवर यू कांट जस्ट स्लैप एनी प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, बोल रहा है किसी भी तरीके से मुंह उठा के कैसे भी प्राइस आप डिसाइड नहीं कर सकते। सो यू नीड टू हैव अ प्राइस स्ट्रेटजी दैट विल टेल योर कंज्यूमर्स व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू आर प्रोवाइडिंग थ्रू द प्रोडक्ट्स। तो बोल रहा है कि इसीलिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी को जिसमें आपको अपने कस्टमर को बताना पड़ेगा, कंज्यूमर्स को, कि आप उसको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। वैल्यू मतलब सेट ऑफ बेनिफिट्स, कि आप उसको जितना पैसा वो दे रहा है उसके बिहाफ में आप क्या उसको सेट ऑफ बेनिफिट्स दे रहे हो, ठीक है जी। जी बिल्कुल, तो चलिए अब चलते हैं स्टेप वन पे, क्या है सेलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब बोल रहा है प्राइस, इसको ध्यान से समझिएगा, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव सेट करने का बहुत सारा पर्पस हो सकता है। कोई चाहता होगा कि हम सिर्फ प्रॉफिट कमा लें तो वो सिर्फ प्रॉफिट बेसिस पे काम करेगा, कोई चाहता होगा कि नहीं हम प्रोडक्ट पे ध्यान दें समाज को कुछ बेनिफिट दे तो वो उस पर्पस पे काम करेगा। ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आइए, कह रहा प्राइसिंग कैन मेक रीचिंग द कंपनी पोजिशनिंग गोल इजियर।
तो जो प्राइसिंग क्या कर सकता है, कंपनी के जो पोजीशनिंग है गोल, मतलब जो इमेज क्रिएट करना चाह रहा है उसको इजी बना सकता है। कह रहा है द कंपनी हैज वर्क्ड ओवर इट्स कैपेसिटी और हैंडल टफ कंपटीशन, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वुड नीड टू कंसीडर टू फैक्टर्स, द वेरिएबल कॉस्ट एंड अ पार्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको जब आप कंपनी को मतलब कंपटीशन देना चाहता है किसी सामने वाले को, तो आपको दो वेरिएबल फैक्टर को देखकर चलना पड़ेगा, सॉरी दो फैक्टर को देखकर चलना पड़ेगा, एक वेरिएबल कॉस्ट दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट। कह रहा ऑल्दो शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेटजी कैन हेल्प बूस्ट इनिशियल परफॉर्मेंस फॉर कंपनीज हु आर इंट्रोड्यूसिंग रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो बोल रहा है ये शॉर्ट टर्म में ये स्ट्रैटेजी हेल्प कर सकती है उन सारे कंपनीज के जो इनिशियली वो कोई रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हैं। कह रहा है इफ अ कंपनी इज लुकिंग टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इट कैन सेट अ हायर प्राइस बाय कंसीडरिंग कॉस्ट एंड द कंपटीशन। तो बोल रहा है अगर कोई कंपनी चाह रहा है कि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो तो उसको हायर प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और किस बेसिस पर, कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए। कह रहा हूं ऑन द अदर हैंड इफ अ कंपनी इज लुकिंग इंप्रूव एंड मैक्सिमाइज इट्स मार्केट शेयर इट विल सेट अ लोअर प्राइस टू जनरेट मैक्सिमम वॉल्यूम। सॉरी क्या कह रहा है कि अगर कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए तो भाई ज्यादा प्राइस रखो और प्रॉफिट कमा लो, लेकिन अगर कंपनी चाहता है कि नहीं हम इंप्रूव करें, मार्केट साइज को बड़ा करें, कस्टमर का बेस बनाएं, तो वो क्या करेगा, कम प्राइस में ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, उससे उसकी क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी। कह रहा है हाउएवर ल्यूक्रेटिव दिस स्ट्रेटजी कैन बी रिस्की एट इट कॉज कंज्यूमर रिलेटेड और लीगल इश्यूज। तो ये बोल रहा है ये स्ट्रेटजी कम वाला रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर कंज्यूमर बेस बन गया तो मजा आ जाएगा। कह रहा है उसके बाद है दूसरा डिटरमाइनिंग द डिमांड। अब डिमांड क्या करना है, देखो पहले इसको समझो। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स इफ देयर इज अ डेफिनेट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एट एवरी प्राइस लेवल। बोल रहा है हर प्राइस लेवल का लॉ, इकोनॉमिक्स के लॉ के हिसाब से है ना, क्या बोल रहा है कि डेफिनेट डिमांड होता है कोई भी प्राइस लेवल पर। हाउएवर दिस लॉ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इन द क्वेश्चन। For instance, demand rises and the price increases for luxury goods, while the demand for a commodity will fall as the price rises. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये डिमांड की बात कर रहा है। बोल रहा है देखो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो किसी भी प्रोडक्ट का एक प्राइस लेवल डिसाइड होने के बाद उसके वो डेफिनेट डिमांड रहता है, और ये बोल रहा है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो लग्जरी गुड्स का प्राइस भी बढ़ता है, ठीक है ना। हाँ जी सर, वही कह रहा है व्हाइल डिमांड फॉर कमोडिटी विल फॉल द प्राइस राइजेस। और उस जैसे ही अगर कोई डिमांड कोई दूसरा कमोडिटी रहे तो उसका क्या हो रहा है, डिमांड फॉर द कमोडिटी विल फॉल, उस कमोडिटी का डिमांड घटेगा भी जब प्राइस बढ़ेगा। अदर गुड्स की बात कर रहा है, कह रहा है व्हाट कंपनीज मस्ट डू इज अ प्लान द डिमांड कर्व व्हाइल अंडरस्टैंडिंग प्राइस सेंसिटिविटी। It is possible to estimate the demand curve by analyzing historical data or performance price related test. तो भाई past के demand को देखते हुए, past के demand को analyze करते हुए हम क्या कर सकते हैं, उस basis पर price related test कर सकते हैं। कह रहा है that way a company can gain a deeper insight into how much the consumers are willing to pay for a specific product or service. तो बोल रहा है इस basis पर कंपनी क्या कर सकता है, कंज्यूमर से के पास जाके एक चेक कर सकता है कि वो कितना किस प्रोडक्ट का प्राइस दे सकते हैं या देने वाले हैं, या सर्विस का, प्रोडक्ट या सर्विस किसी का भी। तो मिला जुला के अगर बात करें तो डिटरमाइन डिमांड को हमको देखना है कि डिमांड कैसा है प्रोडक्ट का, ज्यादा कम या ज्यादा, अगर ज्यादा है तो ज्यादा प्राइस, कम है तो कम ही प्राइस। उसके बाद है एस्टिमेटिंग कॉस्ट इंश्योर प्रॉफिट। अब बोल रहा है भाई अब उसके बाद कॉस्ट देखो कि तुम्हारा कॉस्ट कितना पड़ गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना पड़ गया, उस बेसिस पर प्रॉफिट डिसाइड करो। अगर तुमको ज्यादा कमाना है तो ज्यादा प्रॉफिट लो, कम कमाना है तो कम प्रॉफिट लो, और उस बेसिस पर प्राइसिंग डिसाइड हो जाएगा। कह रहा है इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द वर्क सक्सेसफुली द कंपनीज नीड्स टू मैनेज देयर कॉस्ट सो दे आर लेफ्ट विद अ गुड प्रॉफिट मार्जिन। देयरफॉर टू अचीव दिस द कंपनी नीड टू एस्टैब्लिश द प्रोडक्ट लेवल एट विच विल बी मेंटेन इट्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। In general, the cost unit decreases, production level increases, then simply due to the learning curve effect that comes with the increased experience. So, to ensure you profit with this strategy, you need to allocate the cost and set price accordingly. So, बोल रहा है कि आप fixed और variable cost को देखते हुए ये decide करो कि आपका cost कितना पड़ रहा है, और उस cost के basis पे ये decide करो कि pricing क्या होनी चाहिए।
और उसके बाद है एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर कॉस्ट प्राइस एंड ऑफर। बिल्कुल सही बात है, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो कॉम्पिटिटर है उसका प्राइस देखो, प्रोसेस देखो, ऑफर्स देखो और तब डिसाइड करो, है ना। कह रहा एवरी कंपनी हैज टू ट्रैक इट्स कॉम्पिटिटर केयरफुली दैट स्पेशली गोज फॉर प्राइसिंग कॉस्ट प्रमोशनल ऑफर्स। ये सब सारा चीज आपको कॉम्पिटिटर्स का देखना पड़ेगा। कह रहा कंपनीज नीड टू नो जस्ट हाउ मच दियर कॉम्पिटिटर प्राइस कैन फ्लक्चुएट इन द कंपैरिजन टू दियर ऑन, दे आल्सो नीड टू बी रेडी एडजस्ट दोस फ्लक्चुएशंस विद दियर ऑन ऑफर्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपको कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते रहना पड़ेगा। अगर उसने किसी चीज का प्राइस कम कर दिया तो आपको भी कम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करो लेकिन करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, या कम करो या कुछ भी करो, एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। रेडी रहना पड़ेगा कि मेरा कंप्यूटर कैसे चल रहा है, उस बेसिस पर मेरा फ्लक्चुएशन कैसे होगा। फिर चूज योर प्राइसिंग मेथड। अब आपको प्राइसिंग मेथड डिसाइड करना है, कौन सा मेथड लें, मार्कअप मेथड लें, टारगेट रिटर्न मेथड लें, परसीव्ड वैल्यू लें और ऑक्शन टाइप प्राइसिंग लें, कौन सा प्राइसिंग मेथड लें। ये प्राइसिंग के मेथड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद है डिटरमाइनिंग द फाइनल प्राइस, और उस हिसाब से आप फाइनल प्राइस का डिसीजन करेंगे। ये सारा चीज करने के बाद कह रहा था प्रीवियस स्टेप विल हेल्प यू सेट अ प्राइस बट द फाइनल वर्ड गोज टू योर कंज्यूमर्स टू नोट मार्केट टू डू मार्केट रिसर्च टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट अंडर और ओवरचार्जिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो ये बात बिल्कुल सही है, बोला है कि प्रीवियस स्टेप जो आपने लिया, पिछले 5-6 स्टेप जो लिए आपने, वो आपको डिसाइड करेगा कि आपका कंज्यूमर कितने में वो प्रोडक्ट खरीदेगा। और बोल रहा है आप हमेशा मार्केट रिसर्च करते रहिए ये जानने के लिए कि आपका आपका कॉम्पिटिटर जो है वो प्रोडक्ट का कितना चार्ज कर रहा है, कितना नहीं चार्ज कर रहा है। बात समझ में आई? हाँ जी, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।